उत्तर प्रदेश पुलिस का आपने फॉर्म भर दिया होगा, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे हेड ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर या व्हाट्सएप का हो, तो आपके एग्जाम सेंटर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं एडमिट कार्ड होगा, फोटो, आईडी, आईडी में अगर आप गलती करते हो, क्योंकि आईडी अगर आपकी गलत है तो आप अभी सही करवा लीजिए, क्योंकि आईडी के बिना आपको क्या है एंट्री नहीं मिलती है। अगर आपको पता है मित्र तो भी आप दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी कोई ऐसी कुछ एडवांस चीजें नहीं मांगी जाएंगी। लेकिन मैं आपको अपने भाई होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी आपके पास समय है तो आप इन सब आईडी को सही करवा लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ये, आप चाहे कांस्टेबल का फॉर्म भरे हो, चाहे हेड ऑपरेटर रेडियो, जैसे मैंने बता दिया, हर एग्जाम सेंटर पर जो चीज मांगी जाती है लगभग हर सेंटर पर वही मांगी जाती है। पहला चीज तो एडमिट कार्ड आपका मांगा ही जाएगा, तो एडमिट कार्ड जब आएगा तो आप एक पेज में कार्बन कॉपी निकाल लीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि अभी ये वीडियो लाने की क्या जरूरत थी, तो मैं आपको आगे आप इसका वैल्यू समझोगे तो फोटो, जो फोटो अभी आप फॉर्म में भर रहे हो वही फोटो क्या है वहां पर मांगा जाता है, तो सेम फोटो क्या है आप अभी उसको रखे रहिए, गायब नहीं करना। कितना कॉपी चाहिए होता है, तो दो कॉपी चाहिए होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आईडी में क्या लगता है। तो आईडी में ऐसा आईडी होना चाहिए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपकी जो जन्मतिथि हो वो क्या है अंकित हो, जैसे आधार कार्ड होगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें अंकित होती है, फिर उसमें आपका नेम हो एंड क्या है एड्रेस होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आपका जो नेम है वो फादर नेम एंड आपका जो नेम वो आपका डीओबी, ये दोनों चीज आपके एडमिट कार्ड से क्या है खानी चाहिए, मैच खानी चाहिए। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए आपका नाम क्या है राकेश है, क्या है मेरे मित्र राकेश है, या राकेश वर्मा है, जो कुछ भी है राकेश वर्मा है, एंड आपकी जो डीओबी है वो 1/7/2002 है, तो यही सेम डीओबी आपके आईडी में भी होनी चाहिए और आपके एडमिट कार्ड में होनी चाहिए, जो आपने एडमिट कार्ड में डाला है। यहां पर आपकी आईडी ही मांगी जाएगी, आईडी में आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, इनमें से जो मैं बताऊंगा कि एक ही आईडी चलेगी, चाहे आधार कार्ड लेकर जाइए, चाहे वोटर आईडी लेकर जाइए, या पैन कार्ड लेकर जाइए, या ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि डीएल लेकर जाइए, एंड पासपोर्ट। 90% लोग होंगे जिनके पास सिर्फ आधार कार्ड होगा, तो आधार कार्ड में क्या होता है कि जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होगा, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होंगे उनको मैं बताना चाहूंगा कि जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं तो आपका आधार चेक किया जाएगा, इनमें से कोई एक चाहिए, और आधार जैसे चेक किया जाएगा तो आधार में आपका डेट ऑफ बर्थ मैच किया जाता है कि आपके एडमिट कार्ड से मैच खा के नहीं खा रहा है। अगर मैच खाता है तो आपको एंट्री दे दिया जाता है, नहीं मैच खा रहा होता है तो क्या है आपको रोक लिया जाता है और आपको क्या है टाइम आउट करके क्या है भगा दिया जाता है वहां से। तो आप प्लीज ये गलती ना करें, और आपके एडमिट कार्ड में या जैसे आपने एडमिट कार्ड में ये भर दिया लेकिन आपके आधार आपका जो करेक्ट यही है लेकिन आपने आधार में गलत है आपके, तो अभी जाकर सीएससी जहां से भी सही हो, जो भी आधार सेवा केंद्र है वहां से जाकर क्या है अभी आप सही करवा लीजिए, क्योंकि 10 से 15 दिन क्या है चीजें अपडेट होने में समय होते हुए लग जाती है। अच्छा, आप कुछ लोग कहेंगे कि एड्रेस हमारा गलत हो गया है, इधर उधर थोड़ा बहुत है, जैसे मान लीजिए कि आगे पीछे का कटा हुआ है या कहीं का भी है, तो एड्रेस से कोई एग्जाम में एड्रेस से कोई मतलब नहीं होता है, बस डेट ऑफ बर्थ और आपका नेम सही होना चाहिए। लेकिन जो आपका एड्रेस का वैल्यू होता है वो क्या है आपके डीबी में दिक्कत पड़ती है, डीबी में, तो इसे भी जब आप जाइएगा सही करवाने तो सही करवा लीजिएगा, या सिर्फ एड्रेस के लिए जा रहे हैं तो एड्रेस के लिए नहीं जाना है, सिर्फ अगर आपका डीओबी या नेम गलत है तो प्लीज मेरे दोस्त क्या है आप सही करवा लीजिए, क्योंकि इसके बगैर क्या है आपको एंट्री नहीं मिलती है, क्योंकि 5 साल या 6 साल बाद वैकेंसी आ रही है, तो आप कहीं इसके कारण क्या है कहीं ना बाहर हो जाए, तो प्लीज आप जाकर सही करा सकते हो। अगर आपको अपनी हाइट, अगर आपकी हाइट कम है बढ़ाना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, जाकर वहां से आप दे सकते हो, या आपको बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी लिंक आपको, या सिलेबस देखना है तो फुल वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, जहां पर आप कमेंट करते हो वहीं पर क्या है आपको मिल जाने वाला है। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आते हैं तो आपको मिल जाए, ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।